इतनी बड़ी तादाद में आए मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार रन लगाए, जोरदार तरीके से नारा लगाए, आवाज दो सारे ही हमारे जो टॉप यूनिवर्सिटीज है देश की उस पर किस तरीके से हमला किया जा रहा है और ये क्यों हमला किया जा रहा है, ये हमें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि इन खास यूनिवर्सिटीज पे क्यों ये हमला किया जा रहा है। ये जो यूनिवर्सिटी है हमारे देश की सोचने समझने वाली जो पीढ़ी है, जो सोचने समझने वाले युवा है उनका केंद्र। ये डरते हैं कि ये युवा इनसे सवाल पूछेंगे, इनको क्वेश्चन करेंगे, इनसे जवाब मांगेंगे और जवाब इनके पास है ही नहीं, तो इनकी आवाज को दबाने के लिए क्या किया जाए। इनके पास दिमाग है नहीं, लॉजिक है नहीं, तो गुंडागर्दी इनके पास आखिरी एक तरीका बचता है। हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में गुंडे और पुलिस एक साथ मिलकर छात्रों को पीटने का काम कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि जेएनयू में गुंडे जाकर यूनिवर्सिटी के अंदर हमला किया और पुलिस वहां पे क्या कर रही थी, पुलिस गुंडों का साथ दे रही थी, पुलिस वहां पे मूक दर्शक म्यूट स्पेक्टेटर बन के वहां पे देख रही थी और छात्र अंदर गुंडों के हाथों पीट रहे थे। यहां से मैं पूछना चाहूंगा कि डीसी का रोल क्या होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, एक वाइस चांसलर का रोल क्या होता है, वाइस चांसलर पूरी यूनिवर्सिटी का देखभाल करने का जिम्मेदारी होता है। जेएनयू में जब हमला हो रहा था गुंडों द्वारा तो क्या कर रहे थे डीसी हमारे, क्या कर रहे थे जेएनयू में डीसी, दूर दूर तक कहीं नहीं थे, पता ही नहीं था कि कहाँ है डीसी, ढाई घंटे तक स्टूडेंट पिट रहे यूनिवर्सिटी के अंदर, डीसी का नामो निशान नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा कि डीसी को आदेश कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आपको पता है, होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह उनसे आदेश आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस किसके अंदर से काम करती है, किसके अंदर अपना काम करती है, अमित शाह के अंदर काम करती है। गुंडे किसके अंदर काम कर रहे हैं तो बताइए, गुंडे पुलिस सब मिलकर डीसी मिलकर अमित शाह के अंदर काम कर रहे हैं और किसको पीट रहे हैं, निहत्ते छात्रों को पीट रहे हैं, निहत्ते छात्रों को पीट पीट के ये कह रहे हैं कि तुम्हें हम चुप करा देंगे। हम चुप होंगे, हम चुप नहीं होने वाले, इनकी दिक्कत यही है कि हम चुप नहीं होने वाले, तो हम चुप नहीं होने वाले और ना ही हम ध्यान भटकने देंगे। जो हमारे मेन मुद्दे हैं, मेन मुद्दा इस समय देश का है CAA, NPR, NRC, ये जो भेदभाव के मुद्दे हैं इनसे हम ध्यान नहीं भटकने देंगे। आपकी ये जितने भेदभाव के कानून हैं इनको जब तक हम आपसे वापस नहीं करा देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं कानपुर से आता हूँ, उत्तर प्रदेश, जहाँ इन्होंने परवरता की हद कर रखी है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने इतने लोगों को पीटा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेरे तमाम छात्रों के ऊपर कितनी धाराएं लगा के इन्होंने उनको जेलों में 15-15 दिन सड़ाया, लेकिन आज भी जब वो वापस निकल रहे हैं तो उतनी ही ताकत से उतनी जोश से वापस आके निकल रहे हैं और कह रहे हैं हम उतनी ताकत से लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होते। IIT कानपुर है, कानपुर में वहां पे बच्चों पे इन्होंने एक जांच बैठाई है। क्यों जांच बैठाई है, क्योंकि उन्होंने एक गाना फैज अहमद फैज का पढ़ा, उसका नाम है हम देखेंगे। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि फैज अहमद फैज की एक नज्म पढ़ने के लिए एक इंक्वायरी बैठ रही है और ये उसमें जांच करेंगे कि वो एंटी हिंदू है कि नहीं। इन्होंने फैज को पढ़ा नहीं, ये जाहिल है, इन्होंने फैज को पढ़ा नहीं है, इन्होंने इस देश के किसी भी महापुरुष किसी भी महान औरत के काम को नहीं पढ़ा है। ये समझते ही नहीं है कि अल्लाह और ईश्वर के नाम में कितना कम फर्क है, समझते ही नहीं है, इनको इस देश का अंदाजा ही नहीं कि देश है क्या। तो ये वहां पे बैठेंगे और हम इनको बता देंगे
कहना चाहते हैं कि आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्रोनोलॉजी ये है कि पहले सब ताज उछाले जाएंगे और फिर सब तख्त गिराए जाएंगे। तो अब इन्होंने जब जामिया पे हमला कर लिया, एएमयू पे हमला कर लिया, जेएनयू पे हमला कर लिया, पीएचयू पे हमला कर लिया, तो इनको लगा सब चुप हो गए, तो हमारे आईआईटी के दोस्त निकल आए, आईआईएम के दोस्त निकल आए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के दोस्त निकल आए, जिनसे इन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि ये भी सड़कों पे आ सकते हैं, वो सब निकल आए। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के स्टूडेंट भी हम देखे पढ़ रहे रोड पे। कितनों को रोकोगे, कितनों को शांत कराओगे, कितनों को पीटोगे भाई? अब थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि ये सीएए एनपीआर एनआरसी ये बला है क्या। ये है कि जब ये पार्टीशन के समय हार गए पूरी तरीके से, जो ये ताकतें हैं बांटने वाली ताकतें, जो ये जिन्ना सावरकर के जो ये औलादे हैं, ये जब हार गए उस समय, तब इन्होंने सोचा यार कि अब न्याय जाए कुछ ऐसा जो वापस वैसे ही कर दे। ये इनसे होने वाला नहीं। ये जिन्ना और सावरकर के बनाम गांधी अम्बेडकर और भगत सिंह की लड़ाई है, और ये तब भी जीते थे और आज भी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? हम तब भी जीते थे और आज भी क्यों जीतेंगे? क्योंकि नफरत की ताकत बहुत ही छोटी ताकत होती है। कितनी भी बढ़ जाए, कितना भी उसको समय मिल जाए, पर हमेशा वो आखिरकार प्यार की ताकत के सामने छोटी और बौनी दिखाई देती है। ये तोड़ने वाली जो ताकतें हैं सावरकर और जिन्ना वाली, ये हमेशा जोड़ने वाली ताकतों के सामने छोटी दिखाई देंगी, क्योंकि वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। तो ये जो इनके कानून है, जो काले कानून है, जिससे ये देश को हिंदू और मुस्लिम के नाम पे बांटना चाहते हैं, इनको हम किसी भी तरीके से नहीं होने देंगे। हम ये इनको ये पता नहीं है कि ये कबीर का देश है, गांधी का देश है, अम्बेडकर का देश है। कभी इसको कर ही नहीं सकता, इसको अपने साथ ले ही नहीं सकता, इस देश के खून के साथ नहीं जाता है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपका ये जो युवा वर्ग है, और ये अभी एक बहुत अच्छी चीज हुई, गेटवे ऑफ इंडिया का प्रदर्शन आपको सबको पता होगा। गेटवे ऑफ इंडिया पे पहली बार मुंबई के इतिहास में गेटवे ऑफ इंडिया पे इतना बड़ा प्रदर्शन लगा। ये मुंबई के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि गेटवे ऑफ इंडिया पे इतना बड़ा 40 घंटे तक स्टूडेंट्स ने और इस मुंबई के लोगों ने गेटवे को अपने साथ रखा, गेटवे को ऑक्यूपाई करके रखा। पूरे देश में और देश के बाहर भी ये खबर गई कि मुंबई के लोगों ने, मुंबई के छात्रों ने इस गेटवे ऑफ इंडिया जैसी एक प्रमुख जगह को अपने अंदर रखा, ऑक्यूपाई करके रखा। और वो क्यों रखा गया? जेएनयू की घटना हुई, हमारे भी दोस्त वहां है, हमारे भी साथी वहां है, आम युवा है, हम लोगों को बहुत बुरा लगा कि किस तरीके से गुंडागर्दी कर रखी है इन लोगों ने कैंपसेस में, हम लोगों को बहुत गलत लगा। हम वहां गए, हम लोगों ने सोचा लेकिन जाकर केवल एक कैंडल लाइट कर लेने से शायद काम नहीं बनेगा, हमें जो मुंबई के आम छात्र हैं, आम लोग हैं, उनसे कुछ चर्चा करनी पड़ेगी और ऐसी जगह पे चर्चा करनी पड़ेगी जहां पे सब आप हैं। तो हमने कहा कि ऑक्यूपाई गेटवे का कॉल करते हैं। ऑक्यूपाई गेटवे के कॉल पे हम जेएनयू के मुद्दे भी बात करेंगे, जामिया के मुद्दे पे भी बात करेंगे, एमयू के भी मुद्दे पे बात करेंगे, और जो बड़ा हमारा मुद्दा है सीए एनपीआर एनआरसी, उसके मुद्दे पे भी बात करेंगे। और 40 घंटे तक मुंबई के लोगों ने गेटवे ऑफ इंडिया को ऑक्यूपाई करके रखा, ऐतिहासिक मूवमेंट अपने आप। तो हमें पुलिस ने अपने व्यवस्था के कारणों से वहां से हटाया, पर हमारा वो मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल था। और हम ये कह रहे हैं कि हम इसी तरीके से डटे रहेंगे और जब तक ये कानून वापस नहीं जाते हैं हम खड़े रहेंगे, और हम यही भगत सिंह का, गांधी का और अम्बेडकर का सपना लेके अपने साथ चलते रहेंगे। और इसी के साथ मैं कहता हूँ, नारे लगाते हैं इंकलाब लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद। तो आपके हाथ में बैनर है, सबके ऊपर एक हैशटैग लगा हुआ है, हैशटैग जेएनयू वी विद यू। ये हैशटैग लगा हुआ है, अभी जिन जिन लोगों के पास फोन है, एंड्रॉइड फोन है, वो अपना फोन निकाले, अपने डेटा पैक को ऑन करे और अपने स्टेज का फोटो और अपने कवरेज का फोटो ले
यूज करेंगे विद इन सेकेंड, विद इन टेन सेकेंड। अगर आप 1000 से ज्यादा